वेलकम टू ट्विस्टेड रेसिपीज़ बाय पूनम। तो द आप देख रहे हैं सब कुछ चॉप पड़ी है सारी वेजिटेबल्स, और ये हमारा अजीनोमोटो है, हमारी फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो आज का हमारा मेन्यू है नंबर वन चिली हनी चिली पटेटोज एंड नंबर टू चाउमीन, आपकी जो स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ दी चिली पटेटोज। उसके लिए हम लोग लेंगे मैकेन की फ्रेंच फ्राइज, इसका एक पैकेट, और इसको हम डालेंगे अपने एयर फ्रायर में। मेरे पास मीडिया का एयर फ्रायर है, 200 डिग्रीज पे हम इसको करेंगे एयर फ्रायर के अंदर फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स जब इसमें हो जाएंगे ये क्रिस्प हो जाएगी, उसके बाद हम इसको मिनिमम 40 मिनट्स के लिए ड्राई होने देंगे फ्रेंच फ्राइज को। ये बिना ऑयल के आपके बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची आपकी हनी चिली पटेटोज बनेंगे। तो चलिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ को डालती हूँ अपने एयर फ्रायर के अंदर। ये देखिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ एयर फ्रायर में डाल दिए, मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं लगाया, और ये 200 डिग्रीज है और हम टाइमर 20 मिनट्स पे सेट कर दिए एट 200 डिग्रीज, और हम इसको ऑन कर देते हैं। दैट्स इट। तो हमारी अब फ्राइज में हो जाएंगी। ये देखिए हमने अपने जो मैकेन की फ्राइज हैं हमने इसमें डाली थी 20 मिनट्स अपने एयर फ्रायर में। दीज आर डन नाउ, फर्स्ट क्लास क्रिस्पी होगी विदाउट एनी ऑयल। अब हम इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में डाल देंगे। दैट्स इट। यू आर गोइंग टू लीव इट इन द प्लेट फॉर अनदर 40 मिनट्स। ये 40 मिनट्स में एकदम क्रिस्प हो जाएंगी, इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी कैन मेक द चिली पटैटोस। अभी भी ठीक है बट ये थोड़ी सी ना सॉफ्टनेस है, तो इसको आप हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स इसको छोड़ दें। उसके बाद फिर हम इसको स्टर फ्राई करेंगे, इनको तड़का लगाएंगे, इसको बनाएंगे हनी चिली पटेटोस। सो हियर वी आर बैक विद आर पटेटोस जो ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल एकदम। ये देखिए एकदम क्रिस्पी हैं, ये आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, एकदम क्रिस्प हो गए। अब हम वी आर गोइंग टू पुट ऑयल इन दिस इन द वॉक, नॉट टू मच, पर हाँ एक टेबल स्पून तो डल जाएगा आराम से। इतना डालेंगे, इसमें डालेंगे जिंजर, ना गार्लिक, नॉट जिंजर, वी आर पुटिंग गार्लिक इन दिस, बारीक कटा हुआ। ये मैंने 7 to 8 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के, टू गिव इट अ नाइस टेस्ट। इसको भून लेंगे हम अच्छे से, उसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स, और बढ़िया से हम चिली गार्लिक हनी चिली पटेटोस बनाएंगे, विच आर गोइंग टू बी मोर हेल्दी बिकॉज इसके अंदर दी पटेटोज आर नॉट फ्राइड। तो इसको हम भूनते हैं, इसको मैं भून लूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ आके क्या करना है। ये देखिए हमारे पास क्या क्या सामान है। ये हमारे पास हरा प्याज है, कैप्सिकम है, बेबी कॉर्न है, ये हमारी फ्रेंच फ्राइज है। दीज आर सॉसेज विच आई विल बी यूजिंग, मैगी हॉट एंड स्वीट एंड टॉप्स, विनेगर, रेड चिली, ग्रीन चिली एंड ब्राउन एंड पोल्सन। आई विल बी यूजिंग द कॉर्नफ्लोर, इसका कॉर्नफ्लोर इज द बेस्ट, एंड हनी ऑफकोर्स विल बी यूजिंग डाबर, राइट। एंड इन दिस वी आर जस्ट गोइंग टू पुट, वी आर गोइंग टू पुट, अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर, ये गार्लिक हो गया, अब इसमें हम डालेंगे अपने बेबी कॉर्न, इसको भी स्टर फ्राई करेंगे। हर चीज़ क्रिस्प होनी चाहिए, हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालना जो सॉफ्टी होगा। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी क्रिस्प, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड सॉल्ट इन दिस, बाकी सब कुछ स्वीटनेस वगैरह हमको सब कुछ मिलेगी, एंड तीखापन हमें सॉसेज से मिलेगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट much of spices in this. ये हो गया, here goes our capsicum. आप capsicum yellow भी डाल सकते हैं साथ में, it is completely up to you आप क्या डालना चाहते हैं। here goes our Chinese salt, again 1 teaspoon, just to give that streak type feeling. थोड़ा सा onion डाल दूँगी, जैसे कि वो कुछ थी,
मैं पिंक वाला अनियन आई एम नॉट यूज एनी ये। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको खाने के लिए पोटैटो बनाने हैं तो प्लीज़ वेजिटेबल्स आप हाफ एन आवर पहले काट के रखिए, क्योंकि ये पानी छोड़ती हैं सब्जियाँ, फिर नहीं तो फिर आपके वो सॉगी बनेंगे, वो अच्छे नहीं बनेंगे आपके इनिशियली पोटैटो। बट अगर आपको काट के हाफ एन आवर पहले रख देंगे तो उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है वेजिटेबल्स का, तो वो अच्छी बनती हैं, फिर आपका सॉगी नहीं बनेगा वो। दैट्स इट। नाउ वी विल पुट सॉल्ट इन दिस ऑल अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट थोड़ा कम डालना बिकॉज यू पुट सॉसेज ऑल्सो, अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर, अगेन माय ब्रांड जी सॉस एज ऑलवेज, द चिली सॉस गोज, अगेन ग्रीन चिली सॉस गोज, अगेन सॉस, थोड़ी सी मैगी की हॉट एंड स्वीट डालेंगे तो आपके लिए, एंड वी आर गोइंग टू ऐड हनी। तो यह सॉस मैं नहीं डालूंगी, आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू पुट योर गोज आर डबल हनी इन दिस। पुट हनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मुझे कम अच्छा लगता है तो आई पुट लेस, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डालें। यू कैन ऐड ऑन कलर ऑल्सो टू इट, जो रेड कलर आता है वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई मना नहीं है आपको, क्योंकि बहुत लोग डालते हैं रेड कलर, तो अगर आपको डालना है आप डाल दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा रेड कलर डालने के बाद, इट गिव्स अ गुड कलर टू इट, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डाल देंगे हम भी टू गिव इट अ नाइस कलर, जो रेड वाला आता है हमारे स्ट्रीट स्टाइल हनी चिली पोटैटोज में। या इट्स गॉन, वाओ। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ये थोड़ा सा वो है, पतला है इसका सॉस, तो हमने क्या करना है, 1 teaspoon कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर डाल देना, ठीक है। इसको पानी में आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसको कुछ नहीं होगा, बस ये आप डाल के 1 teaspoon इसको हिला दीजिए, अपने आप आपकी सॉस जो है गाढ़ी हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको उसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। That's it, बस। And we are going to put the potatoes. Yeah, easy peasy chili potatoes are ready to serve. Yeah. High flame पे करेंगे इसको. See, so easy, so quick. आपके घर किसी ने आना हो तो आप फटाफट बनाएं, इसको सर्व करें, एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो बिकॉज हमने इसको फ्राई नहीं करा है पोटैटोज़ को, हमने एयर फ्रायर में करा है इसको, तो दे आर मोर हेल्दी, एंड मकेन की फ्राइज आई थिंक आर द बेस्ट टिल टिल डेट दैट आई हैव यूज्ड। सो बट अगर आपको घर पे बनाना है आप वो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से भी बना सकते हैं, बॉयल आलू को पार बॉयल करके, कट करके, फ्राई करके, बट दिस इज़ वेरी हैंडी एंड क्विक, अगर कोई एकदम से आपके घर आ जाए तो इट्स अ वेरी गुड स्नैक टू बी सर्व। तो बस दैट्स ऑल, इट्स डन। बट इसको सर्व आपको इमीडिएटली करना है, इसको आप बना के रख नहीं सकते, ये चीज़ याद रखना, इसको बना के रख नहीं सकते हैं। तो बस दिस इज़ डन, अब मैं इसको सर्व करती हूँ, आपको सर्व करके दिखाती हूँ कैसा लगेगा। तो ये तैयार हो गए हैं हमारे हनी चिली पोटैटोज, खुद भी खाइए, घर में सबको खिलाइए, इतने स्वाद, इतनी जल्दी बनने वाले, कोई तेल नहीं, कोई तलना नहीं, झंझट खत्म। अगर कोई एकदम से आपके घर आ जाए तो ज़रूर सर्व करिए, एंड इफ़ यू लाइक इट डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।